सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देखें न्यूट्रिशन आउट ऑफिशियल। सो आज हम बात कर वापस हम आ गए हैं कंटेंट को लेकर। लाइक जो भी चैंपियनशिप के रिगार्डिंग थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे इन बिटवीन। सो बात कर रहे हैं आज प्री वर्कआउट मील की, कि लाइक प्री वर्कआउट मील कंपल्सरी है नहीं है, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं प्री वर्कआउट मील को लेकर। तो देखो, एक चीज़ है कि लाइक मतलब प्री वर्कआउट मील का सेंस क्या है, कि ताकि आपको ये सब फूड खाएं जो आपको वर्कआउट में हेल्प करे, ठीक है। बट मैक्सिमम चीज टाइम ये होता है कि लोग प्री वर्कआउट मील तो ले लेते हैं, बट वो जिम में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक अगर मान लीजिए किसी की जो जो मील है, जो लंच है, मतलब आप इवनिंग वर्कआउट करते हैं, जो लंच है उसमें आपका बहुत हैवी लंच हो गया है, लाइक उसके बाद मतलब वो इतना आप फुल हैं, ऑलरेडी फुल हैं, लाइक आपको जिम जाना है या फिर एक प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं फिर भी, तब वो क्या करता है कि जिम में आपको एक ब्लोटिंग फीलिंग देगा, लाइक आप बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाओगे वर्कआउट करने में जिम के टाइम। सो प्री वर्कआउट मील कंपलसरी है नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बाकी मील्स कैसे मैनेज हैं, आपकी बाकी मील्स को कैसे प्लान किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल का लोगों का हाल ये है कि लाइक कोई प्लान नहीं है, लाइक मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बट इन जनरल ये है कि कोई जैसे ही होता है कि हम एक नॉर्मल इंडियन जो कम्युनिटी है या कोई भी है, तो हमारा जो सेट सेट पैटर्न नहीं होता, हम दाल चावल खाते हैं यूजुअली लंच में, रोटी सब्जी खाते हैं, मे बी कुछ और खा लिया साथ में मिल गया, तो जो मतलब तो कुछ ऐसा सर्टेन नहीं है कि हम यही खाएंगे। सो इससे चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन होती हैं। बात करती है जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, मैक्सिमम लोगों को सुबह खाया नहीं जाता, ठीक है। ऑलरेडी सुबह उठ के जिम जाना हर किसी के थोड़ा सा हेक्टिक है, अंटिल वो एक एथलीट नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है, तो उनको क्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना बहुत ही हेक्टिक लगता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट मील को लेकर, कि देखिए अगर बात करते स्टार्टिंग की, जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, ठीक है, सुबह वर्कआउट करते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर अगर वो सुबह खाने का उनका मन नहीं है, तो वो अपनी जो प्री वर्कआउट मील है उसकी मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि आपकी जो रात की मील है ना वो थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, हल्की सी हैवी, ठीक है। मतलब ये कोई ये नहीं कि बेस्ट वे नहीं है, बट ये है कि एक अल्टरनेटिव वे है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। लाइक आपकी रात की मील हैवी होगी तो लाइक देखो, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कुछ खाया आपने आपकी बॉडी डाइजेस्ट करके तुरंत वो एनर्जी यूज़ होने वाली है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। ये सब ये है कि लाइक एक हम टाइमली चीज़ों को मात देते हैं कि हाँ हमें ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, एक साइकिल चलती जाती है। अब ये थोड़ी क्या अंडे खाए तो वो अंडे डाइजेस्ट हो गए तुरंत वो यूज़ हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता ना, वो बॉडी में जाने में बहुत टाइम लेता है, प्रोसेस से होगा, लाइक वो तुरंत इंस्टेंटली यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप प्री वर्कआउट मील भी लेते हो तो प्री वर्कआउट मील आपका मतलब वो आपकी बॉडी में रहेगा, वो आपकी बॉडी में एक साइकिल की तरह चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये होता है कि एक पैटर्न बनाता है कि लाइक प्री वर्कआउट मील लेंगे, फिर पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे, एंड लाइक आपकी बॉडी में वो बॉडी आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, लाइक एक ऑप्टिमल रिजल्ट आता है। इस वजह से हम चीज़ों को एक प्री वर्कआउट मील बांध दिया, पोस्ट वर्कआउट मील बांध दिया। बट ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपके जिम के एनर्जी में यूज़ होगा, तो शायद इसकी थोड़ा सा डिबेटेबल है कि नहीं, ऐसा तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होने वाला। हाँ ये कि आप तुरंत आपने केला खा लिया, फ्रूट खा लिया, तो आपको एक साइकोलॉजिकल बहुत ही अच्छा फील होता है, लाइक आपका वर्कआउट भी डेफिनेटली अच्छा होगा। सो जिनके लिए वो एक सिंपल सजेशन ये है कि जिन जिनको सुबह खाने की आदत नहीं है, लाइक वो सुबह वर्कआउट करते हैं और सुबह मन नहीं करता खाने का, तो उनकी रात की मील थोड़ी हैवी हो, ताकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा एनर्जी हो जो जिम में जाके यूज़ कर सकें। एंड फिर बात करते हैं कि प्री वर्कआउट मील में अगर कोई प्री वर्कआउट मील लेता है तो क्या ले सकते हैं। तो प्री वर्कआउट मील में देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग क्या है। लाइक अगर आप तुरंत जिम जस्ट जिम 15 मिनट बाद जिम करना है, 20 मिनट बाद जिम करना है, तो बेटर है कि कोई फ्रूट ही खा लो बस, लाइक सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स मतलब साइंटिफिक हिसाब बोले तो सिंपल कार्ब्स, और ऐसे बोले तो कोई फ्रूट खा लो हल्का फुल्का, देख दो ब्रेड स्लाइस खा लो, ब्रेड के स्लाइस खा लिए। रीज़न ये है कि अगर आप 20-25 मिनट पहले कुछ हैवी बहुत खा लोगे तो आप ब्लोटेड फील करोगे, लाइक आपका वर्कआउट डिस्टर्ब हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, लाइक ये है कि आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले आप खा सकते हो, तो आप 1-1.5 घंटा पहले आप थोड़ा सा कार्ब्स और थोड़े से प्रोटीन के सिंपल, जैसे कि ये होता है कि सिंपल कार्ब्स ले लिया, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी ले सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले लो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो स्लोली रिलीज होगा, लाइक धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। 2 घंटे पहले लोग तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउन राइस हो सकता है,
एंड लाइक आपकी रोटी भी हो सकती है। हाँ, रोटी को एज अ प्री वर्कआउट मील आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, और साथ में कुछ भी एक प्रोटीन का सोर्स हो गया। प्रोटीन का सोर्स में आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, ठीक है, एक अंडे हो गए, फिर आपका एक ये दो प्रोटीन और कार्ब्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ये एक और चीज़ है कि लाइक ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, लाइक कोई पत्थर नहीं है कि हाँ यही करोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। बहुत सारे अल्टरनेटिव वे होते हैं, उसी के लिए कोचेस होते हैं जो आपकी चीज़ों को हिसाब से, आपको चीज़ों को हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अगर सब ये नहीं खा सकते अब ये खा लेना, ये खा लेना। क्योंकि देखो कोई भी फूड खा रहे हो आप तो इंस्टेंटली बॉडी में नहीं लग रहा है, ये नहीं कि आप प्रोटीन लिया तो आपकी बॉडी जाके मसल बनाने लगेगी तुरंत, नहीं। ऑलरेडी जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है, जो आपके बॉडी में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी पहले। ये एक तरह से साइकिल है कि लाइक इससे समझ लो कि एक रिदम है कि पहले ये फूड है, फिर ये जो आपने पीछे से ऑलरेडी एक और फूड रख दिया तो वो एक चलता जाएगा, लाइक आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी यूज़ करती जाएगी। अब सिंपल सिंपल सा ये है कि देखो प्री वर्कआउट मील एक सिंपल सा ये हो गया कि अगर आपके लंच हैवी है, जरूरी नहीं कि अगर आपको पेट आपको फील हो रहा है कि लाइक मैं फुल हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कंप्लीट एनर्जी है मेरे बॉडी में, तब आपको प्री वर्कआउट मील लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर बात रही अर्ली मॉर्निंग की, तो अर्ली मॉर्निंग में बता दें कि आपको अगर आपको नहीं हो पा रहा, नहीं खा पा रहे हो, तो आपका जो फूड है रात वाला वो थोड़ा सा हैवी रखो, वो बेनिफिट करेगा। एक थोड़ा सा और लोग सोचते हैं कि लाइक एम्प्टी स्टमक का वर्कआउट करने का ये हो सीन होता है, तो लाइक देखो एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना एक्चुअल में एंड जो उसका सेंस है बहुत डिफरेंट है। आप जरूरी नहीं कि आप सुबह खा के नहीं जा रहे हो तो आप एम्प्टी स्टमक हो, आपके बॉडी बॉडी में ऑलरेडी ग्लाइकोजन्स हैं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है जो यूज़ होगी। एम्प्टी स्टमक का लॉजिक ये होता है कि जब आप खाली पेट हो तो खाली पेट का सेंस होता है कि जब आपकी बॉडी में का ग्लाइकोजन बहुत मिनिमल हो ताकि आपकी बॉडी फैट यूज़ करे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो होती है एम्प्टी स्टमक, ना कि आप खाली पेट चले गए वो एम्प्टी स्टमक हुआ, ठीक है। सो ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं प्री वर्कआउट मील को लेकर। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है। एंड सप्लीमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं, मेरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टोर है, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। बहुत सारे आपके सप्लीमेंट ब्रांड्स हमको आपको मिल जाएंगे हमारे पास फिर लेके। और एक और चीज़ हम ये है कि बहुत सी चीज़ें हमने जस्ट एक प्रोजेक्ट लाइन अप कर रखा है, एक आप सभी के लिए है, ये थोड़ा सा सरप्राइज होने वाला है। हम ट्राई कर रहे हैं कि एक बेटर आउटपुट और बेटर ऐसी चीज़ जो हम आपके लिए लाने वाले वो रखते हैं, वो आगे के लिए रखते हैं कि आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। सो ये था प्री वर्कआउट मील के बारे में। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें जैसे हमने बताया कि आप मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप कर सकते हो कॉल भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर दो, जो आपको कंफर्टेबल है करना, हम उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन एंड ऑफिशियल, हम और सारे कंटेंट्स लाते रहेंगे। बाकी कोई कंटेंट्स आप चाहते हो हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली आप हमें अपने सजेशन मैसेज कीजिएगा, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।